मैं मंजू बैद मस्त मस्त मसाला रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। आज बनाएंगे मोहन थाल, जो कि एक गुजरात की फेमस मिठाई है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मोहन थाल बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कटोरी बेसन, 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी मावा, 1 कटोरी घी। जिस कटोरी से बेसन लेंगे उसी कटोरी से सारी चीजें नापेंगे। पिस्ता, बादाम की कतरन, इलायची पाउडर, बेसन में छोटे वाले 5 चम्मच घी डालेंगे और इनको अच्छे से मिलाएंगे। हल्का सा गुनगुना पानी लेंगे, पानी की जगह आप दूध भी इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा सा डालेंगे, ऐसे करके हम दानादार बनाएंगे। ऐसे हथेली से हल्का हल्का करेंगे ताकि दाने बैठ जाएं। पानी थोड़ा सा ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना है, ऐसे सूखा सूखा रखना है। ज्यादा डालोगे तो फिर बनेगा नहीं। इसको दबाते हुए 15-20 मिनट हम ढक्कन देके सेट होने के लिए रख देंगे। अच्छे से सेट हो चुका है, ऐसे हाथ से उतारेंगे। एक बर्तन लेंगे और छानने के लिए छलनी लेंगे। छलनी हम थोड़े बड़े छेद की लेंगे, हम इसे छानेंगे अच्छे से दानेदार बन जाए। बचे हुए को हम फिर ऐसे हथेली से करेंगे और ऐसे छानेंगे। ऐसे दाने होना चाहिए। सारे को मैंने अच्छे से छान लिया है। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, फिर इसमें घी डालेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे, फिर हम हल्के हल्के हाथ से सेकेंगे। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे, इसे हम लगातार मिलाते रहेंगे नहीं तो बेसन चिपक जाएगा। इतना बनाने में 20-25 मिनट लगेगा। हम हल्के हल्के हाथ से ही इसको चलाते रहेंगे। 15 मिनट सेकने के बाद ये आधे से ज्यादा सिक चुका है। अब हम इसमें मावा डालेंगे और 10 मिनट के लिए और लो फ्लेम पे सेकेंगे। ताकि मावा भी अच्छे से सिक जाए। मोटी तले की कढ़ाई लें, नहीं तो मावा डालने के बाद फिर कढ़ाई में चिपकता है। अब इसमें कुटी हुई इलायची डालेंगे और मिलाएंगे। कलर केसर कुछ नहीं डालेंगे। 25 मिनट के बाद यह सिक चुका है। अब हम गैस को बंद करेंगे। जिस कढ़ाई में बेसन सेके हैं उसी में हम चाशनी बनाएंगे। 1 कटोरी चीनी लेंगे और 1 कटोरी ही हम पानी लेंगे। चाशनी 1.5 तार की बनाएंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। चाशनी बनने वाली है, हम चेक कर लेते हैं। चाशनी बन चुकी है, को ऐसे देखेंगे तो पता चल जाएगा कि लंबा तार बन रहा है। कढ़ाई को नीचे उतारेंगे, फिर हम चाशनी में सेका हुआ बेसन डालेंगे। ऐसे मिला लेंगे
अगर आपको 10 दिन रखना है तो 2 तार की चाशनी बनाए, थाली में घी लगाएंगे और ठंडा होने के लिए 2-3 घंटा रख देंगे। इसको ऐसे टक लगाएंगे, हम चम्मच की सहायता से नहीं फैलाएंगे। अब इसमें हम बादाम की कतरन और पिस्ता डालेंगे। बादाम पिस्ता की कतरन लगाने के बाद एक बार टक करेंगे, 2 घंटा के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर हम कट करेंगे। 2-3 घंटा बाद अब इसे कट करेंगे। साइड वाली को हम अलग करेंगे। अब इसकी सहायता से हम मोहन थाल को उतारेंगे। अब एक प्लेट में निकाल लेंगे, ऐसे करके सारी उतार लेंगे। तैयार है मोहन थाल।